सवाल बहुत दुनिया भर में किया जा रहा था कि हमारे नोहे इतने लेट क्यों आए हैं, और वाकई एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मैं अहले बैत टीवी के इस कैमरे के जरिए देख रहा हूँ। होता क्या है कि मेरे दोनों बेटे, एक मास्टर्स कर रहे हैं अली शनावर और दूसरे ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उन्होंने कंप्लीट कंप्लीट किया और डिस्टिंग्विश मार्क्स लेकर के आए माशाल्लाह। लेकिन एक तरफ सुबह 6 बजे उठ के यूनी जाना है और रात भर उसको एडिटिंग पे बैठना है 4:30 बजे तक, फिर फजर की नमाज पढ़ के सो जाना है, तो 1 घंटा वो अपनी जॉब पे जाना है और उसको अपने यूनी जाना है। तो लिहाजा बच्चे इस दौरान जब ये सब ये काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने मुझे इजाजत दी कि बाबा आप अशरा पढ़ने के लिए जाइए, हम ये सारी एडिटिंग मिक्सिंग और रिलीजिंग का काम, तो कभी कभी लेट हो जाता है। तो उसको कमेंट्स करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि हम भी आप जैसे इंसान हैं, ये 8 महीने की हमारी मेहनत होती है, हर नौखान की मेहनत होती है, और वो 5 मिनट में आप देख करके उसके ऊपर कभी कभी खुदा ना करे व्यूज भी लिखा जाते हैं और उल्टी बातें भी की जाती हैं, लेकिन डरे उस वक्त से कि हम तो माफ कर सकते हैं, हो सकता है कि गाजी अबुल फजल अब्बास माफ ना करें उन सारी चीजों के लिए। अच्छी बात करें, अच्छी तनकीद करें और ये सोच करके करें कि न जाने कौन सी मजबूरियां हो, तो लिहाजा हम जानबूझ के लेट नहीं करते हैं, लेट हो जाता है कभी कभी। और दुनिया भर में जहां अमेरिका और कनाडा से जितने भी इनविटेशन मेरे पास आए, मैं माजत चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं था रिकॉर्डिंग और नौह की वजह से कि मैं वीजे के लिए जाता, और लिहाजा ये पोस्टपोन हो गया प्रोग्राम। कनाडा वालों से भी कि इंशाल्लाह आइंदा आएंगे, मेरे दिल में है, और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ कि बीबी जहरा सरकार सलामुल्लाह अलैहा को मंजूर है तो हम आते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो फिर वो प्रोग्राम भी नहीं बन पाता, वो चाहती हैं तो हम पढ़ने के लिए आते हैं। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई।